हेलो फ्रेंड्स, लर्न एक्सेल वीबीए पार्ट 4। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट डेटा एंट्री फॉर्म। यूजर फॉर्म क्रिएट करने से पहले हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें हमारी शीट का नाम दे देना है और उसको सेव एज एक्सेल एसएम यानी कि मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कर लेना है। दूसरी बात, जिस टाइप का हमें डेटा यूजर फॉर्म से शीट में ट्रांसफर करना है उसका एक शीट स्ट्रक्चर किसी भी शीट में तैयार कर लेना है। मान लीजिए हम 50 केजी की बैग का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका डेटा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मैंने ये प्रोडक्शन का डेटा और सेल्स का डेटा यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। मुझे क्या क्या चाहिए, कॉलम ए में डेट चाहिए, कॉलम बी में बैग, सी में मैट्रिक टन, डी में क्यूमुलेटिव बैग, ई में क्यूमुलेटिव मैट्रिक टन, उसी तरह एफ से लेके आई तक सेल्स का डेटा भी मुझे चाहिए। एक बार आपको अच्छे से सोच के इस तरह से शीट स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बाद में आप इसमें कोई भी कॉलम बीच में ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आपने जो यूजर फॉर्म कोड लिखे होंगे उस सब में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यूजर फॉर्म से जब हम शीट में डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें लास्ट रो निकालनी होती है। तो लास्ट रो इसी एक कॉलम के रेफरेंस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जिस भी कॉलम का रेफरेंस हम लेंगे उसके बीच में कोई भी मर्ज्ड सेल नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ पर कॉलम ए को रेफरेंस मान के लास्ट रो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मर्ज्ड सेल है और यहाँ पर भी मर्ज्ड सेल है। डेवलपर टैब में चलते हैं, विजुअल बेसिक पे चलते हैं। हमने यहाँ पर यूजर फॉर्म इंसर्ट करके रखा है। सबसे पहले हम लेबल लेंगे और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में देखिए यहाँ पर फॉन्ट दिखाई देगा, वहाँ जाके आप उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। आप चाहे तो फॉन्ट भी यहाँ से बदल सकते हैं। ओके किया। अब यहाँ पर इसका कैप्शन, ये जो लेबल वन दिखा रहा है यहाँ पर हमको डेट लिखना है, तो ऐसे क्लिक करके फिर एक सेकंड बार फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। डेट लिखा, स्पेस दबाया, कॉलन लगाया और एंटर। अब डेट लिखने के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसका भी फॉन्ट साइज वही आएगा, तो हम फॉन्ट यहाँ से बदल देंगे, उसका साइज 11 कर देते हैं। ओके, अब ये दोनों का हाइट मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइट को मैं 20 लिख दूंगा। अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो इसको मुझे अलाइन करना है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा और यहाँ पर बॉटम में सिलेक्ट करूँगा, तो ये अलाइन हो गया है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करके हम अपने लेबल्स बना लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी यहाँ से करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे और ऐसे ये जो क्रॉस आ रहा है तो उसको खींच के यहाँ पर लाएंगे। ऐसे फटाफट अब पेस्ट फिर से करेंगे तो फिर से आ जाएगा। यहाँ पर हमने सारे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं और उनकी साइज हम सेट कर लेते हैं, फॉर्मेट मेक सेम साइज विड्थ, तो सबकी साइज एक हो गई। उनको अलाइन करने के लिए लेफ्ट करेंगे तो ये अलाइन हो गए। ये जो पहले चार है वो प्रोडक्शन के लिए है और ये जो चार है वो
सेल्स के लिए है। तो एक डेटा लेबल ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं ये प्रोडक्शन का डेटा है। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यूजर फॉर्म को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक बार रन करने के लिए यहाँ किसी भी ब्लैंक जगह पे हम क्लिक करेंगे और ये रन का बटन दबाएंगे, तो इस तरह से यूजर फॉर्म पॉपअप होगा। क्लोज करेंगे। मैंने मेरे पहले वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल वीबीए में बताया था, कोड लिखने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो आया है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने से भी पहले हमें यहाँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना है, एक्सप्लिसिट, और एंटर दबाना है। अब इसके नीचे आपको सारे वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर लेने हैं, जैसे कि हर एक सीट के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, तो डीम SH2 कॉमा SH3 कॉमा SH4 कॉमा SH5 एज वर्कशीट, एंटर दबाएंगे। फिर अभी मुझे चाहिए शीट 2 में, जहां पर मैं डेटा ट्रांसफर करने वाला हूं, उसके लिए लास्ट रो वाला एक वेरिएबल मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए लिखूंगा डीम लास्ट रो का शॉर्ट फॉर्म यानी कि LR, और कौन सी शीट है तो SH2 एज लॉन्ग, मैं इसको लॉन्ग डिक्लेयर करता हूँ, एंटर। यूजर फॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पर एक हमको बटन बनाना है जिसकी मदद से हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो डेटा सारा का सारा ट्रांसफर होके डेटा शीट में चला जाएगा। तो कमांड बटन ले लेते हैं, यहाँ से उसका कैप्शन चेंज कर देते हैं, उसको लिखते हैं सेव डेटा, और फॉन्ट का साइज चेंज कर देते हैं बोल्ड 11। सेव डेटा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर की है उनको डिफाइन करना है, जैसे कि SH2, तो सेट SH2 इज इक्वल टू शीट्स ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा, और डेटा लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, और एंटर दबाएंगे। अब कोई भी कोड लिखने से पहले आपको कमेंट ब्लॉक जरूर लिखना है। कमेंट ब्लॉक वो इंस्ट्रक्शन है कि आप ये जो कोड या पार्ट ऑफ कोड लिख रहे हैं वो किस लिए है। यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिफाइन वेरिएबल। कमेंट ब्लॉक के लिए आपको यहाँ पर आगे कर्सर लाना है और यहाँ से यहाँ पर लिखिए कमेंट ब्लॉक क्लिक करना है, तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा। और ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन के लिए है कि आपने ये जो नीचे पार्ट ऑफ कोड लिखा है तो इसके लिए है। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, हर एक पार्ट ऑफ कोड में आप कमेंट ब्लॉक लिखते जाएंगे। चलिए LR SH2 वो क्या है, इज इक्वल टू शीट 2 में यानी कि SH2 डॉट रेंज, रेंज कॉमा, ये कॉलम को रेफरेंस लेना है, ये स्पेस लगाना है, एंड rows.count यानी जितनी भी रो है उसको काउंट करना है, ये कॉलम में जितनी भी रो है उसको काउंट करना है, डॉट एंड ब्रैकेट ओपन एक्सेल अप ब्रैकेट बंद डॉट रो, और एंटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोड है वो क्या करेगा, शीट 2 में कॉलम ए है उसमें यहाँ से चलेगा और लास्ट में चला जाएगा, लास्ट जो रो है
उस रो में चला जाएगा और फिर अप होगा। तो कौन सा सिलेक्ट हुआ, देखिए ये वाला पांच नंबर वाला रो सिलेक्ट हुआ। तो ये हमारा हो गया लास्ट रो। लेकिन हमें यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं करना है, जो लास्ट रो है उसके नीचे डेटा ट्रांसफ़र करना है, यानी कि यहाँ पर हमें प्लस वन करना है। जो लास्ट रो हमने निकाला उसके बिल्कुल नीचे, यानी कि उसमें एक ऐड कर दो और यहाँ पर हमको हमारा डेटा ट्रांसफ़र करना है। एक बार यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो गया तो लास्ट रो ये बन जाएगा, तो फिर दूसरा डेटा होगा वो उसके नीचे आएगा। इस तरह से हमारा डेटा एंट्री होता जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगले वीडियो में हम इस यूज़र फॉर्म को कंप्लीट बना देंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस के लिए आप अपना यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करके रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।